क्रिकेट के पांच ऐसे अजीबोगरीब रिकॉर्ड जिन्हें तोड़ना तो दूर, जानते भी बहुत कम लोग होंगे। नंबर वन, T20 में आपने मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है और ये कारनामा किया है वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने। क्रिस गेल एकलौते ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने टेस्ट मैच के पहली गेंद पर छक्का मारा है। क्रिस गेल ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ सुहाग गाजी, जो बांग्लादेश की स्पिन बॉलर है, उनके बॉल पर इस अचीवमेंट को हासिल किया है। नंबर टू, साल 1996 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में खेले गए मैच में शाहिद आफरीदी ने 37 बॉल में 11 छक्के और चौके लगाए थे। अब ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के बैट्समैन एबी डिविलियर्स के नाम है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मैच में अफरीदी ने सचिन तेंदुलकर का बैट इस्तेमाल किया था। दरअसल अफरीदी के पास सही बैट नहीं था, इसलिए वकार यूनिस ने उनको सचिन का बैट खेलने के लिए दिया था। नंबर थ्री, टेस्ट मैच के पहली बॉल पर सबसे ज्यादा बार आउट होने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व क्रिकेटर बैट्समैन सुनील गावस्कर के नाम है। सुनील गावस्कर 3 बार टेस्ट मैच के पहली बॉल पर आउट हुए थे और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। नंबर फोर, क्रिकेट इतिहास में सौरव गांगुली एकलौते ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में लगातार 4 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता।